स्वागत है नए वीडियो पर। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सब जो रीड करने वाले हैं वो है चांद पर पहुंच गए तो उसमें जो खोज नया रिसर्च किए हैं उसमें क्या क्या निकला है। मेरे ख्याल से पानी निकला है, तो चलिए बिना देरी करते हुए उसको देखते हैं और रीड करते हैं। चांद पर अभी तक नया अपडेट क्या क्या निकला है, तो चलिए बिना देरी करते हुए नया नया अपडेट को देख लेते हैं। तो चलिए 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 नया अपडेट क्या हो गया है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ तब यह आज की तरह हरी भरी नहीं थी। अच्छा। बल्कि एक धधकता हुआ आग का गोला थी। अर्थ की स्पीड, रोटेशन व दिन रात की ड्यूरेशन भी उस समय पूरी तरह से अलग थी। वहीं अगर बात मून यानी कि चंद्रमा की करें तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को लेकर कई तरह की थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनमें से बिग इम्पैक्ट थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है। इस थ्योरी के अनुसार कई अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारी धरती से आ टकराया था। अच्छा। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर स्पेस में बिखर गई और फिर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह सारा बिखरा हुआ मलबा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। समय के साथ ये मलबा धीरे धीरे एक पिंड में बदल गया। अच्छा। और इस तरह से पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का जन्म हुआ। जी हाँ, यानी पृथ्वी से निकला हुआ मलबा ही इकट्ठा होकर चंद्रमा बना। दोस्तों अब तक यही माना जाता रहा है कि चंद्रमा का जन्म 4.51 बिलियन यानी कि 4.51 अरब सालों पहले हुआ था, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में ये साबित किया गया है कि पृथ्वी के साथ हुई ये जोरदार टक्कर असल में करीब 4.425 अरब साल पहले हुई थी। बिग इम्पैक्ट थ्योरी के मुताबिक इस टक्कर की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई, जिससे हमारी पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का जन्म हुआ। साथ ही पृथ्वी के रोटेशन में भी स्थिरता आई और फिर जन्म हुआ। हे प्लेयर वन, डू यू थिंक यू आर रेडी फॉर दिस? इसको बोलते हैं भाई प्रो। हुआ हमारी पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट का। हालांकि मानव गतिविधियों के कारण आज पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास पूरी तरह से मिट चुके हैं, लेकिन चांद पर ये आज भी रिजर्व हैं। इसलिए हमारे स्पेस वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हमें पृथ्वी को समझना है तो उसके लिए चंद्रमा को समझना भी बेहद जरूरी है। बिना चंद्रमा को समझे हम अपने सोलर सिस्टम को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद पर अपना मून मिशन भेजने की रेस में लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 4 देशों को ही कामयाबी मिली है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चीन के साथ अब हमारे भारत ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी साल 14 जुलाई साल 2023 को दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा से सतीश धवन सेंटर से भारत ने अपना मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसने 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करके इतिहास रच लिया। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अपना मून मिशन चंद्रमा पर भेजा हो। इससे पहले भी साल 2008 में चंद्रयान 1 और साल 2019 में चंद्रमा पर चंद्रयान 2 मिशन भेजा था, जिसमें से भारत चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था, जबकि चंद्रयान 1 ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। इस खोज के लिए चंद्रयान 1 में लगे मून इम्पैक्ट प्रोब को जानबूझकर चांद के साउथ पोल में मौजूद शेकलेटन क्रेटर के पास क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। इस क्रैश लैंडिंग की वजह से चांद की सतह पर शॉक वेव पैदा हुआ और इस शॉक वेव की वजह से चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी के कण ऊपर की ओर उठ गए, जिसकी मैपिंग चंद्रयान 1 में लगे डिवाइस मून मिनरोलॉजी मैपर ने की, और इससे जो डेटा सामने आया उससे भारत में मौजूद इसरो में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि चंद्रयान 1 ने ये साबित कर दिया कि चांद के दोनों पोल्स पर पानी मौजूद है। दोस्तों ये खोज कोई सामान्य खोज नहीं थी। साल 2008 से पहले वैज्ञानिक यही मानते रहे थे कि चंद्रमा पर पानी मौजूद नहीं है, लेकिन मैपिंग ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि उस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2009 में अपने स्पेसक्राफ्ट
लूनर ऑर्बिटर LRO के जरिए जब चांद के पोलर सरफेस की मैपिंग की, तब उन्होंने भी वहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति की कंफर्मेशन दी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा, क्योंकि वो भारत ही था जिसने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद आया साल 2013 का समय, जब नासा ने लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट यानी कि LADEE नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम मून के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। जब लैडी ने चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी की तो उसे चांद पर बिल्कुल एक पतला सा एटमॉस्फेयर मिला और उस एटमॉस्फेयर के अंदर उसे वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिले। अब सवाल यह है कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ से आया, क्योंकि चांद के सतह पर ना तो नदियाँ हैं और ना ही उसके आसमान में कोई बादल हैं। फिर ये पानी आया कहाँ से, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल था। लेकिन वैज्ञानिक भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। सालों तक की गई रिसर्च के बाद ये सामने आया कि चांद की सतह पर जो सूखी मिट्टी है उसके नीचे पानी मौजूद है। हाँ, ये पानी बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं है, पर फिर भी पानी मौजूद है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि अब सवाल ये था कि चांद की सतह की गहराई में मौजूद पानी आखिर स्पेस में कैसे पहुंच गया। एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च शुरू की और इस बार जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको चौंका दिया। दरअसल चांद के एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसके लिए कॉमेट यानी कि धूमकेतु जिम्मेदार हैं। कॉमेट के पीछे एक लंबी पूंछ होती है जो बारीक धूल, कण, पत्थर, बर्फ और गैस की बनी होती है, और जब ऐसे ही किसी कॉमेट के पूंछ से हमारी धरती गुजरती है तो धरती की ग्रेविटी कॉमेट के पूंछ में मौजूद धूल कण को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन हवा के फ्रिक्शन की वजह से ये धूल कण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें से तेज रोशनी निकलती है। इसी को हम मीटियोर या टूटा हुआ तारा कहते हैं। हर साल हजारों मीटियोर्स हमारी धरती से टकराते हैं, लेकिन जब ये मेटेराइट्स चांद की सतह से टकराते हैं तब चांद की सतह की धूल ऊपर उठती है, जिससे वहाँ एक छोटा सा खड्डा बन जाता है। लेकिन जब बड़े आकार के मेटेराइट्स चांद की सतह से टकराते हैं तो चांद की सतह पर एक बड़ा शॉक वेव पैदा हो जाता है, जिसकी एनर्जी से चांद की सतह के नीचे मौजूद पानी बाहर निकलते हैं जो सीधे स्पेस में जाते हैं। दोस्तों, यही वो पानी था जिससे लैडी ने खोज निकाला था और वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया था। लैडी की इस खोज ने ये साबित कर दिया था कि सिर्फ चांद के पोल्स पर नहीं बल्कि चांद के पूरे सरफेस में पानी मौजूद है, और ये पानी चांद की सतह से करीब 3 फीट नीचे से लेकर 10 फीट की गहराई में गीली मिट्टी के रूप में मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, चांद की सतह में मौजूद ये पानी बहुत ही कम मात्रा में है। पर चाहे जो भी हो, चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज है। दोस्तों, यहाँ पर आप में से कईयों के दिलो दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इन सारे खोजों से हमें क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसका जवाब है बहुत कुछ। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांद पृथ्वी से अलग होकर बना है, ऐसे में पृथ्वी के जो प्रारंभिक इतिहास आज मिट चुके हैं वो चांद पर अभी सुरक्षित हैं। अगर वैज्ञानिक चांद को करीब से समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में चंद्रमा की सतह पर इंसान के लिए बस्ती बनाकर रहना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चांद की स्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा की हवा में फ्री ऑक्सीजन नहीं है, जो कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। चांद पर जो कुछ भी है वो खनिज में यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में है, और पानी भी इसरो के मुताबिक बहुत कम है। आप मान सकते हैं कि चांद की 1 टन लूनर सॉइल को निचोड़ने पर उसमें से केवल 0.5 लीटर ही पानी मिल सकेगा। अब आप खुद ही सोचिए, जहां पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहां भला इंसानी जीवन कैसे संभव है। वैसे हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करके भारत के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है, और इससे भविष्य में भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पर कैसे, आइए अब इसे भी समझते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो चांद पर सफल लैंडिंग करने में हर बार फेल साबित हुए हैं। ऐसे में वो चाहें तो अब